प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जैसे कि मैंने बताया था फाइव पार्ट्स हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, सॉलिड्स। पहला है सॉलिड्स की इलास्टिसिटी के ऊपर, ठीक है। सेकंड है लिक्विड्स के, थ्री चैप्टर्स हैं इसके बाद, प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। और गैसेस का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस इज इलास्टिसिटी। तो ये फाइव पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। वृत्ति एंड जीवितेश आल्सो एंटर्ड। ये एब्सेंटीज के टेस्ट पेपर्स आप कह रहे थे ना, दे देंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स के। यू मस्ट बी नोइंग सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? फाइव। कैन यू नेम? प्लाज्मा, फोर्थ कौन सी है? फिफ्थ कौन सी है? तो हमने सॉलिड्स पे कंसंट्रेट करना। हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यू नो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कौन सी हैं, और क्लोज्ड पैकिंग होती है उसमें एटम्स की। और मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन इन विच देर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग और रिपीटिंग ओवर अ 3D पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल शुगर क्रिस्टल इज देयर, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट क्रिस्टल इज देयर, ठीक है। तो देर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट रिपीट ओवर एंड ओवर। देर इज अ पर्टिकुलर यूनिट दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर थ्री डायमेंशन एंड वी गेट दैट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स दे विल बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। सो व्हेन वी हीट दैट सब्सटेंस ऑल द बॉन्ड्स दे विल मेल्ट एट द सेम टाइम, गिविंग इट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड सेम वे बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। एंड दे हैव एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, देयर सम प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल माइका शीट, माइका शीट इज क्रिस्टलाइन। तो माइका शीट में आपने अगर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया हो, कई पैरेलल शीट्स का एक कॉम्बिनेशन होती है, तो अगर आप उसको ट्रांसवर्स टू लेंथ टीयर करो तो कुछ और स्ट्रेंथ होगी, परपेंडिकुलर आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करो तो कुछ और स्ट्रेंथ होगी। सो इट इज दे आर हैविंग एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर्स। एन आइसोट्रॉपिक मीन्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे डोंट हैव सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड्स लाइक ग्लास, ग्लास इज देयर, वुड इज देयर, यू कैन से सीमेंट इज देयर, ब्रिटल मटेरियल्स लाइक, तो इनमें कोई 3D पैटर्न रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी के जो सारे हैं, और ये शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट एज डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, अगर आप ग्लास को ही मेल्ट करो तो इट टेक आवर्स टू मेल्ट द ग्लास एंड लिक्विफाई इट, क्योंकि वो जो सॉफ्ट बॉन्ड्स हैं वो पहले मेल्ट होंगे, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, लाइक दिस। तो इसको काफी टाइम यूज होगा इसको मेल्ट होने में भी और सॉलिडिफाई होने में। ग्लास टेक्स अबाउट 11-12 आवर्स टू गेट सॉलिडिफाइड, राइट। और ब्रिटल भी हैं, जैसे ग्लास का पीस आप हैमर से अगर ब्रेक करो तो ये ब्रिटल है इन नेचर, और दैट्स वाई दे आर हैविंग आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। आइसोट्रॉपिक मीन्स दे आर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम यही मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ही ले लें एज एन एग्जाम्पल, तो
इन केस ऑफ ग्लास अगर हम उसको हैमर करें किसी भी डायरेक्शन में वो वैसे ही टूटेगा, इसके लिए आपको कोई परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्लास का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है दैट विल बी सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेम ही होगी। ऑल राइट, गॉट इट, ठीक है। तो ये तो चलो थोड़ी सी डेफिनेशन होगी। अब मेनली हमने इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी करनी है सॉलिड्स की। सो सॉलिड्स दे शो इलास्टिक बिहेवियर इफ वी स्ट्रेच सपोज अ रबर बैंड, एक हमारे पास मेटल वायर है, वैसे तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रबर बैंड का, ठीक है। तो अगर हम उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करें, ठीक है, फोर्स अप्लाई करें, तो वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है कुछ लिमिट के बाद। बट पहले क्या करते हो आप, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो, छोड़ देते हो, ये दोबारा से ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाता है। हाँ जी, नहीं पहले जब नया ही रबर बैंड है, थोड़ा सा ही आप स्ट्रेच करके छोड़ देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। एंड व्हाई डज इट कम बैक टू ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो कुछ देर बाद जब आप रिपीटेड स्ट्रेन अप्लाई करते हो तो वो डिफॉर्म होना स्टार्ट होता है। तो ये सारी की सारी स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है वो लिखिए। इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस या प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू विच, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू विच it regains, due to which it regains original size and shape, या फिर आप इसको configuration का नाम दे सकते हो, due to which it regains original size and shape या original configuration after the removal of deforming forces, after the removal of deforming forces. After the removal of deforming forces, हम जो force लगा रहे थे deform ही कर रहे हैं ना उसको, तो जब हम उसको remove करते हैं, अगर body original size और shape को regain कर लेती है तो हम कहते हैं कि वो elastic है, ठीक है। तो all the substances are not elastic, you know, कि ऐसा behavior हर substance show नहीं करता। आपके पास एक metal का scale है, आप उसके लिए ऐसे नहीं behave कर सकते, but एक rubber band को आप ऐसे कर सकते हो, एक metal wire को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप सपोज कर ले एक मेटल वायर आपने सीलिंग से सस्पेंड कर दी, उसके साथ आपने एक लोड अटैच करके रख दिया, ठीक है, कुछ हैंग कर दिया उसके साथ, आफ्टर 2-3 डेज आप देखोगे देयर विल बी सम चेंज इन इट्स लेंथ। और अगर वो वायर इलास्टिक है तो लोड रिमूव करने के बाद वो दोबारा से अपनी जो कॉन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेगी, अगर वो इलास्टिक नहीं है तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, परमानेंटली इलोंगेट हो जाएगी लाइक दैट, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस कि वो इलास्टिक है कि नहीं। तो अगर वो इलास्टिक नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक सब्सटेंस। तो लिखिए प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक सब्सटेंस क्या होते हैं, प्लास्टिक सब्सटेंस द सब्सटेंसेस दैट ब्रेक आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, मतलब वो टूट ही जाते हैं अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, वो इलास्टिक हो ही है ही नहीं है, वो अपनी ओरिजिनल शेप पर आ ही नहीं सकते, वो टूट ही जाएंगे। प्लास्टिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट ब्रेक और डोंट रीगेन ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन और डोंट गेन ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन after the removal of deforming forces, after the removal of deforming forces. After the removal of deforming forces. Forces, ठीक है। अब इसका reason क्या है, what is the cause of elasticity? That is a coiled structure of molecules. Coiled structure, spring-like structures हैं molecules की। कुछ substances के अंदर जो molecules हैं, उनकी जो coiled structures की वजह से ऐसे होता है। They are coiled. They are in the form of springs.
तो फिर क्या होता है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं दी स्प्रिंग्स गेट इलोंगेटेड, और जब हम उन फोर्सेस को रिमूव करते हैं दे ट्राई टू रीस्टोर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। तो वो जो स्प्रिंग की तो प्रॉपर्टी होती है वो रिस्टोरिंग फोर्सेस में प्रोड्यूस होता ही होता है बाय हुक्स लॉ। तो जब हम उनको रिमूव करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्सेस को दे विल ट्राई टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजिशन। सो रिस्टोरिंग फोर्सेज आर द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिन मटेरियल्स में रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉइल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इज द कॉज क्लियर? इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। इफ द मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स दे आर हैविंग कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, व्हेन वी विल अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्सेस दे विल एक्सपैंड और स्ट्रेच, एंड व्हेन वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस दे ट्राई टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजिशन। So these restoring forces produced within the substance, they are responsible for this elastic behavior. They bring the body back to original position. ठीक है? तो cause क्या है? Restoring forces produced within a substance due to coiled molecular structure. अगर one line में कहें इसको sum up करें. So restoring forces produced within a substance. Restoring forces produced within a substance due to its coiled molecular structure. ठीक है? अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती है? परफेक्टली इलास्टिक वो बॉडीज हैं जो ओरिजिनल शेप और साइज तो रीगेन करती हैं बट इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्सेज अप्लाई रिमूव किए वो एक तो उसी टाइम अपनी पोजीशन पे बैक आ जाएंगी और कंप्लीटली अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेंगे। देखो एक रबर बैंड है, थोड़ा ओल्ड रबर बैंड है, आपने उसको स्ट्रेच किया वो थोड़ा सा इलोंगेट हो गया पर फिर भी वो वापस तो आया ना, आपने स्ट्रेच ज्यादा किया था पर वो थोड़ा सा पूरी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आया पर थोड़ा सा तो इलास्टिक बिहेवियर शो किया उसने, उसको भी हम इलास्टिक बोलेंगे। बट परफेक्टली इलास्टिक हुआ जो अपने उसी शेप एंड साइज पे दोबारा आ जाए और इमीडिएटली आ जाए, उसी टाइम आ जाए। ठीक है? जैसे हमने रिमूव किया वो वापस अपनी शेप पे आ गए, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली। ये भी उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। देखो रबर जो है उसको काफी इलास्टिक मानते हैं, रबर शो करता है। हाँ जी क्या? बंजी जंपिंग वो तो अपनी हाइट से भी ऊपर चल जाती है। एक मिनट, उसके तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको पार्ट बताना पड़ेगा अगर एग्जांपल देना है। दूसरा एग्जांपल है, एक तो रबर है जो बहुत इलास्टिक बिहेवियर शो करता है और इसमें हम दिखा सकते हैं कि ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ गया। अनदर एग्जांपल इज इलास्टिक टिश्यू ऑफ एओर्टा इन आवर बॉडी। जो लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा है ना, उसका जो इलास्टिक टिश्यू है वो उसको भी परफेक्टली इलास्टिक माना जाता है। ठीक है? नियरली परफेक्ट, 100% तो कोई भी नहीं होगा बट नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज में आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यस, हम इस पैरामीटर पे नहीं मेजर करते कि कौन सा ऑब्जेक्ट इलास्टिक है, कि अगर वो एक्सपैंड ज्यादा हो रहा है, एक्सटेंड ज्यादा हो रहा है, दैट डजंट मीन कि इट इज मोर इलास्टिक। ये आगे हम अभी इनसे रिलेटेड जो मैथमेटिकल टर्म्स करेंगे, जो इनसे रिलेटेड फिजिक्स बिहाइंड इनकी जो भी स्टडी करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट डिसाइड्स द इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। यंग्स मॉडुलस जो है वो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड दैट डिसाइड्स वेदर अ सब्सटेंस इज इलास्टिक, गुड इलास्टिक सब्सटेंस और नॉट। राइट? तो ये भी एक काफी अच्छा इलास्टिक मटेरियल माना गया है। राइट? चलिए, आफ्टर दैट वी हैव
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वो कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो यूज होंगी हमारी मॉडुलाई को डिफाइन करने के लिए. स्ट्रेस, you know its unit and dimensions is same as that of pressure, to isko hum stress bhi bol dete hain. So basically wahi stress is deforming force per unit area or restoring force per unit area, because restoring force will always be equal to deforming force. To hum dono definitions kar sakte hain, likh lijiye. Stress is defined as, stress is defined as deforming force per unit area, deforming force acting per unit area of a substance deforming force acting per unit area of a substance or restoring force acting per unit area of a substance. हाँ, मतलब बाय डेफिनेशन हम दोनों फोर्सेस मेंशन कर सकते हैं. जो भी फोर्स हमें पता है हम उसको मेंशन कर सकते हैं. देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, P इज इक्वल टू F बाय A, स्ट्रेस भी वही है, बट यहाँ पे हम किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग रिस्टोरिंग फोर्सेस के कंटेक्स्ट में. सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सर्फेस. And a force is acting at certain angle to the surface. We can resolve this force into two components, one parallel and another normal. ठीक है, एक हो गया ये आपका tangential component F cos theta and this is your normal component F sin theta. A is the area of this object. So stress would be of two types. यूनिट वही लिख लो, पास्कल भी लिख सकते हो आप, न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हो. सो यूनिट यू कैन राइट पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर स्ट्रेस आल्सो. डायमेंशन बताओगे क्या? क्या क्यों नहीं होता ये देखो. हाँ, M1, L माइनस वन, T माइनस टू. अगर देखो यूनिट और सेम है ना प्रेशर जैसा, तो डायमेंशन भी सेम है. M1, L माइनस वन, T माइनस टू, फोर्स अपॉन एरिया. सॉल्व करके देख लो, वही डायमेंशन आएगी. हाँ जी, यूनिट ये रहा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही सेम एज दैट ऑफ प्रेशर. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस. नॉर्मल में नॉर्मल फोर्स ले लोगे, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसमें आप ये वाला लोगे. और टेंजेंशियल स्ट्रेस इज the ratio of tangential force per unit area acting on the object. उसमें आप tangential component ले लोगे बस, that is the difference. ठीक है, तो लिखिए normal stress is normal force, perpendicular force per unit area. So in this particular example, normal stress is F sin theta over A. And tangential stress is tangential force per unit area. So this is F cos theta over A.
ठीक है। अब दूसरी टर्म है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस टॉपिक, अंडर दिस टॉपिक है स्ट्रेन। इट इज बेसिकली चेंज इन कॉन्फिगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फिगरेशंस। चेंज इन कॉन्फिगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। अब वो कॉन्फिगरेशन लेंथ भी हो सकती है, डायमीटर भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है। एनी काइंड ऑफ चेंज कैन बी देयर। ऑलराइट, सो देयर आर थ्री टाइप्स, और इसका कोई यूनिट नहीं। अगर जैसे चेंज इन कॉन्फिगरेशन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, लेंथ लेंथ का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी यूनिट, डज नॉट हैव एनी डायमेंशन आल्सो। ठीक है, आपने फर्स्ट यूनिट में डायमेंशन एनालिसिस में ऑलरेडी स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चेंज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लेंथ में जो आ रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। हाँ जी हरनूर, इसका एग्जांपल दो कोई इसका। यस, कहाँ पे लेंथ चेंज है हो रही? कौन सी रो? वो तो नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा यहाँ पे। आप कौन सा कह रहे हो? अच्छा यही वाला, एग्जैक्टली कह रहे थे। कोई मैम एक वायर पे वेट हम लगाएंगे तो नीचे तेज धार को वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। ये जो अभी मैंने दिया था एग्जांपल, अच्छा भाई भाई, इसमें जो स्ट्रेस होगा वो कौन सी टाइप का होगा? दोनों में से अभी हमने स्ट्रेस किया, वो कौन सी टाइप का स्ट्रेस एप्लीकेबल है? नॉर्मल स्ट्रेस। तो मोस्टली नॉर्मल स्ट्रेस के केसेस में हमारी लेंथ में चेंज आता है, कैसे पता लगा कि नॉर्मल होगा या क्योंकि आप देखो कि एक वायर सस्पेंड की आपने, सीलिंग से आपने एक वायर सस्पेंड की जिसकी ओरिजिनल लेंथ ही एल। ठीक है, अब आपने इसके साथ एक वेट अटैच कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट वेट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट गेट्स एक्सटेंडेड थ्रू अ डिस्टेंस एल। ठीक है, स्मॉल एल, चेंज इन लेंथ कितना हो गया? स्मॉल एल। तो आपकी न्यू लेंथ एल प्लस एल होगी। तो इस केस में ये जो फोर्स लग रहा है ये नॉर्मल लग रहा है ना, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस का केस। आपका क्वेश्चन यही था ना पहले, वो देखो। तो ये जो फोर्स इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है ये उसके नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का केस। ठीक है, और लेंथ में जो चेंज है तो आप इसको कैसे लिखोगे? डेल्टा एल ओवर एल। ये सपोज डेल्टा एल कर लो इसको, डेल्टा एल ओवर एल दैट विल बी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड इट अकर्स मोस्टली व्हेन नॉर्मल स्ट्रेस इज अप्लाइड।